बिजनौर राज्य सूचना आयुक्त ने विभागों के अधिकारियों के कार्यशाला में अनुपस्थित रहने पर जताई नाराजगी। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने स्वास्थ्य एवं विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला में अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति उनकी लापरवाही इस बात को प्रमाणित करती है कि जनहित के इस महत्वपूर्ण कार्य में उनकी रुचि नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी अनुपस्थित अधिकारियों का जवाब तलब करें। जन सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आयोग में विभागीय शिकायत से संबंधित सुनवाई के दौरान स्वयं उपस्थित हों ताकि प्रतिवादी की शिकायत का शीघ्र और गुणवत्तापारक समाधान संभव हो सके। जन सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रति सप्ताह अपने कार्यालय में वादी और प्रतिवादी को तलब कर अपने स्तर से वादों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने पर संविधान ने अनेक अधिकारियों के साथ सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का मौलिक दिया है, जो आम नागरिक के लिए एक वरदान है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत वादी द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है, तो भ्रष्टाचार और शोषण के मामलों में निश्चित रूप से कमी आएगी। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने आज नागरिकों के हितों को मद्देनजर रखते हुए सूचना के अधिकार के रूप में उन्हें ऐसा उपहार दिया जो न्यायिक क्षेत्र में सबसे सस्ता, सुलभ और प्रभावी है, जिसके द्वारा कोई भी आम नागरिक मात्र 10 रुपये व्यय करके नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है तथा जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 एवं 2015 के प्राविधानों की अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सके और यदि उनके मन में कोई शंका हो तो मास्टर ट्रेनर के माध्यम से उसका निदान कर सके। ये नहीं है किसी को पनिशमेंट किया जाए, बल्कि मकसद है कि लोगों को राहत दी जाए। तो राहत देने के लिए जरूरी है। मुरादाबाद में 30 में संभल में था, 3 में रामपुर में था, फिर 4 में अमरोहा था, आज यहाँ है आपके यहाँ, कल नजीबाबाद में प्रोग्राम है। ये इसलिए ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया है ताकि अधिकारियों को ये जानकारी हो जाए, सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को, कि आपको काम इस नियम के तहत करना है। अगर नियम की जानकारी में के अभाव में कोई परेशानी हो वो हमसे क्वेश्चन कर सके, सवाल कर सके, कोई परेशानी हो उससे बता सकते, तो उसकी जानकारी हम लोग दे देते हैं। क्योंकि एक्ट की मंशा ये है और आयोग की भी मंशा है, सरकार भी यही चाहती है, तो लोगों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम होने चाहिए और जनहित में जो काम होंगे तभी हमारा मुल्क मजबूत होगा। इसीलिए हम लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं और तीन दिन तो लगातार हम लोग अब हो गए, अब बीच में 2 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। 2-3 दिन पहले हमने ये किया कैंप, बहुत कामयाब रहा है। 95% अधिकारी मौजूद रहते हैं, सभी अधिकारी 3-3, 4-4 घंटा ट्रेनिंग कैंप में शामिल रहते हैं, अपने जो मसाइल हैं उन्हें बताते हैं, उन्हें हल करने की हम लोग नियम के तहत कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपके ज़रिए से सभी अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और उन्होंने समझने की कोशिश की और ये यकीन दिलाया कि लोगों के हितों में, जनहित में काम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं उन्हें उपलब्ध कराएंगे। हाल ही में आयोग में जो चीज़ ईजाद हुई है, देखिए आयोग में अभी रूल रेगुलेशन बने हैं 2015, तो 2015 के बाद में अगर कोई एप्लीकेशन देना चाहे तो उसे 500 शब्दों से ज़्यादा की एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा शब्दों की एप्लीकेशन हो देगा तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि नियम की जानकारी आम आदमी को भी ज़रूरी है, जैसे अधिकारियों को ज़रूरी है, ऐसे ही आम आदमी को भी अपनी जानकारी रखनी चाहिए कि नियम उनके लिए क्या है। 2015 से पहले जो एप्लीकेशन थी, जो दी गई है, उन पर ये कानून लागू नहीं होगा, ये 2015 के बाद की एप्लीकेशन पे लागू होगा।